नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसपीआर रोड पे जो काफ़ी टाइम पहले मतलब 7 से 8 महीने पहले एक ऐसा प्रोजेक्ट जो बाजार के अंदर आया और रेट को सुन के सभी ने इसके अंदर अपना इंटरेस्ट वो शो किया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पिरामिड अपना 71 में एक हाई राइज प्रोजेक्ट का प्लान किया था बहुत टाइम पहले और लोगों से इन्होंने काफ़ी ईवाई कलेक्ट भी की थी, काफ़ी रिस्पॉन्स भी बाजार से मिला। फिर डेवलपर का मन बदल गया कि भाई कहीं सस्ते रेट में हमने इस प्रोजेक्ट को है वो लॉन्च कर दिया। तो अब ये प्रोजेक्ट फाइनली लॉन्च हो चुका है और ये एक अच्छी लोकेशन है और फाइनल रेट प्राइस रेरा लाइसेंस सब कुछ आ चुका है। तो डेवलपर अब इसको लॉन्च करने वाला है ऑफिशियल तरीके से। तो आज हम इस प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट समझेंगे और आसपास की डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे और इस प्रोजेक्ट की जानकारी भी लेंगे, साथ के साथ आपको इस प्रोजेक्ट का जो डिज़ाइन है किस तरीके से है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों एक बार हम इस डेवलपर के बारे में जान लेते हैं कि डेवलपर ने पीछे क्या किया है, क्योंकि हम जब भी कोई प्रॉपर्टी बाई करने जाते हैं तो हम बैकग्राउंड को सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो पिरामिड का कुछ हिस्ट्री मैं पहले भी इस प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग वीडियो बना चुका हूँ और मैंने वहाँ भी पिरामिड का काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे डिस्कस किया था। हो सकता है आपने वो वीडियो देखी भी होगी, अगर नहीं देखी तो वो देख लेना एक बार, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिरामिड ने जब रियल एस्टेट के अंदर कदम रखा था तो ये इन्होंने DLF को काफ़ी मेजर लैंड पार्सल है वो परचेज करके दिया था। तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ DLF की लैंड पार्सल आपको देखने को मिलेगा वहीं पे पिरामिड की लैंड पार्सल भी होगा। अभी जैसे सोना रोड पे सेक्टर 67 में देखोगे तो पिरामिड का जो अफोर्डेबल हाउसिंग है अर्बन होम, उसके साइड में अभी DLF ने SCO लॉन्च किए थे तो DLF की लैंड वहाँ भी आ गई। गाँव के अंदर भी अगर आप देखोगे तो जैसे कि न्यू टाउन हाइट है तो वहाँ भी इनके 2-3 प्रोजेक्ट हैं अफोर्डेबल के रिगार्डिंग। तो वहाँ पे जैसे कि एलीट हो गया आप इनका, फिर हाइट हो गया, तो वो DLF के नियर बाई में है तो वहाँ भी इन्होंने ही प्रोवाइड कराई थी। जहाँ जहाँ DLF के पास लैंड पार्सल है वहाँ वहाँ आपको पिरामिड का लैंड पार्सल देखने को मिलेगा। अल्मेडा है सेक्टर 73, तो अल्मेडा के बगल में इनकी लैंड है, जैसे कि SCO लॉन्च कर रखे थे इन्होंने और जस्ट यही प्रोजेक्ट अल्मेडा के अपोजिट साइड में है तो वहाँ भी इसकी पिरामिड की लैंड पार्सल आता है। तो यानी पिरामिड ने तकरीबन 13-14 के आसपास अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर काम किया हुआ है और सभी प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ प्रोजेक्ट इनके डिलीवर्ड है वो हो चुके हैं और अच्छा खासा अप्रिसिएशन अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर इन्होंने दिया है। उसके बाद इन्होंने SCO प्लॉट है वो लॉन्च किए हैं, दीनदयाल के प्लॉट्स ये लॉन्च कर चुके हैं, यहाँ तक कि सोना के अंदर भी इनकी टाउनशिप है प्लॉट्स की। तो न्यू गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट और SPR रोड की अगर बात करें तो हाई राइज प्रोजेक्ट हो गया, फिर आपका अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हो गया सेक्टर 70A के अंदर भी इनके तकरीबन 4 से 5 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। उसके बाद SPR रोड के ऊपर ये दीनदयाल की टाउनशिप जो रेजिडेंशियल प्लॉट है वो लॉन्च कर चुके हैं और साथ में SCO प्लॉट की मार्केट बिल्कुल अल्मेडा के साथ लगती हुई है वो लॉन्च कर चुके हैं। तो दोस्तों ये इनका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रेंथ है और अब ये फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं अपने हाई राइज के अंदर और आगे भी ये हाई राइज प्रोजेक्ट लाते रहेंगे क्योंकि बहुत सारा लैंड पार्सल अभी इनके पास प्रीमियम लोकेशन के अंदर अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पे ये पहला ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो सबसे प्रीमियम लोकेशन के अंदर है और अल्मेडा के बिल्कुल साथ में है। तो ये 3 टावर 4.5 एकड़ के अंदर हाई राइज अपार्टमेंट के तौर पे लग्जरी कंसेप्ट में उतर रहे हैं। जैसे कि आप पहले जानते थे कि सिग्नेचर और पिरामिड ये 2 ऐसे ब्रांड्स थे जो बाजार के अंदर टाइमली पोजीशन देते हैं प्रोडक्ट की और अच्छा बनाते हैं, बिक भी जाता है और एप्रिसिएशन और रेंटल इनकम काफ़ी अच्छी मिलती है इन प्रोजेक्टों में। तो जैसे सिग्नेचर ने अपना 37D में पहला हाई राइज प्रोडक्ट बनाया, लॉन्च किया अभी लास्ट मंथ, उसके बाद सिग्नेचर भी अपना सेकंड प्रोजेक्ट लेके आ रहा है सेक्टर 71 में, तो वहीं पे पिरामिड 71 में अपना प्रोजेक्ट वो लॉन्च कर चुका है, रेरा आ गया है। तो इसको प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट की लोकेशन को समझते हैं, तो उसके लिए हमें डेस्कटॉप पे चलना पड़ेगा अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर ताकि मैं आपको कंप्लीट तरीके से ये चीज़ें समझा सकूँ। टावर में देखा जाए तो 4 आपको लिफ्ट मिलती है, 1, 2, 3 एंड 4, 4 लिफ्ट है, ट्रिपल हाइट लॉबी आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा लोकेशन के बारे में अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये राजीव चौक है, फिर यहाँ पे सुभाष चौक आ जाता है और यहाँ पे आपका वाटिका चौक है, ये वाला जो एरिया है कलोवरली फ्लाईओवर। तो यहाँ से लेके वाटिका चौक तक इसको बोलते हैं SPR रोड
5 किलोमीटर का ये पैच है। उसके बाद जो ये टावर आप जो देख रहे हैं, तीन टावर, तीनों टावर सेम जैसे दिखाई दिए रहे हैं वैसे ही सेम में ये यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये आपका अल्मेडा चौक इसको बोलते हैं, जो डायरेक्ट कनेक्ट होगा सुभाष चौक और होंडा चौक के बीच के अंदर जाके। तो यहाँ पे 72A के अंदर यहाँ पे आपका जो मेट्रो स्टेशन है वो प्रपोज्ड है येलो लाइन का। तो इसके सामने, तीनों टावरों के सामने डीएलएफ अल्मेडा की लो राइज की टाउनशिप यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। वैसे मैं इस एरिया के बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर चुका हूँ, आप लास्ट की वीडियो है वो देख सकते हैं, और इसके अंदर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं ताकि आप इस एरिया की लोकेशन को प्रॉपर तरीके से समझ जाए। यानी रैपिड मेट्रो अगर यहाँ से गुजरी तो आपके बगल में रैपिड मेट्रो का स्टेशन, उसके बाद आपके येलो लाइन का स्टेशन, आप दोनों साइड आपके मेट्रो कनेक्टिविटी आपके पास होगी। तीसरी चीज ये कि यहाँ पे तीन आपके फ्लाईओवर बनने थे और हो सकता है अब ये कैंसिल होके यहाँ पे पूरे रोड को भी एलिवेटेड रोड है वो बना दिया जाए, ये फ्यूचर डेवलपमेंट है। उसके बाद आप इसी एरिया से सोना रोड सोना जा सकते हैं, आप सीपीआर रोड से आप डायरेक्ट आप जा सकते हैं द्वारका बाई एयरपोर्ट, आप जयपुर जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं। तो आप इस एरिया से किसी भी लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं गुड़गांव के, आप डायरेक्ट यहीं से आप सेंटर में जा सकते हैं गुड़गांव के। तो लोकेशन काफी प्रीमियम है और ये प्रोजेक्ट लमसम आप मानो कि 4 से 5 साल में आपको मिलेगा। तो ये जो लोकेशन आप जो देख रहे हैं ये बहुत सारी आपको डेवलप हो के मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नेचर है सेक्टर 71 में तकरीबन 150 से 200 एकड़ लैंड पार्सल यहाँ पे सिग्नेचर का ही पड़ता है, क्योंकि सिग्नेचर भी यहाँ पे अपना हाई राइज प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करने वाला है। उसके बाद अगर मैं थोड़ी सी आपको ये बताऊं कि भाई जो बैल्कनी एरिया है 6.5 फीट का आपको वाइड है वो बैल्कनी एरिया का मिलता है, टफन ग्लास की आपको प्रॉपर डबल ग्लास की आपको बैल्कनी मिलती है, जो आपका जो जैसे कि डोर हो गया और विंडो होगी इसके ऊपर कंप्लीट ग्लास होगा और इसकी हाइट आपकी छत तक होगी, यानी जो टाइल्स है टाइल्स से लेके छत तक आपको ग्लास एरिया प्रॉपर प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपकी सनलाइट की जो विजिबिलिटी है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको मिलेगी। उसके बाद अगर प्रोजेक्ट के लेआउट की अगर बात करें तो इसमें जो लेआउट आता है 2375 और 2360, ये जो दो ये वाला जो लेआउट है ये तो फेस करेगा आपके सी और बी यूनिट को, जो कि आप आगे मैं लेआउट में समझाऊंगा तो वो थोड़ा आप बेटर तरीके से समझ जाओगे। ए और डी फेसिंग करेगी अल्मेडा साइड को, और ये तीन टावरों में 1, 2 एंड 3 तीनों टावरों में ये साइज है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2450 स्क्वायर फीट और उसके बाद 2281 और साथ में अगर देखोगे तो 2270 स्क्वायर फीट का यहाँ पे लेआउट है वो आपको देखने को मिलता है। वैसे इसकी डिटेल मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल चुका हूँ, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पे हम फर्दर जो इंफॉर्मेशन आती है वहीं पे आप हम अपडेट है वो कर देते हैं। उसके बाद अगर मैं लेआउट की बात करूँ, जो साइट का जो लेआउट है वो किस तरीके का दिखेगा, उससे पहले हम बात करते हैं कि इस डेवलपर ने जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट आपके हैं ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है, इसमें इन्होंने 3 प्रोजेक्ट को डिलीवरी दे दी है। ओसी सीसी 4 प्रोजेक्ट की अप्लाइड है और अंडर कंस्ट्रक्शन 4 प्रोजेक्ट है। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ये वाले जो प्रोजेक्ट है 5 ये आपके डिलीवर्ड हो चुके हैं, जिसमें फैमिलियां रह रही है। ओसी और सीसी जो अप्लाई होना है वो 6 प्रोजेक्टों की जो ओसी और सीसी है वो अप्लाई हो चुके हैं, 4 प्रोजेक्ट इनके अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यानी इन्होंने काफी अच्छा काम बाजार के अंदर किया हुआ है गुड़गांव के रियल स्टेट मार्केट में, तो इनका बजट काफी अच्छा है, बनाने की क्षमता काफी अच्छी है, टाइम पे डिलीवर करते हैं, अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे अभी तक इस डेवलपर ने दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो टावर की जो आपके जो सोसाइटी का लेआउट है वो किस तरीके से दिखता है, यानी ये वाला जो एरिया है अगर मैं इस एरिया की फेसिंग की बात करूं तो ये फेसिंग आती है डायरेक्ट डीएलएफ अल्मेडा के सामने, यानी यूनिट नंबर ए और डी तीनों टावरों की ए और डी जो यूनिट है वो फेस करेगी डीएलएफ अल्मेडा को, और बी और सी वाली जो यूनिट है वो फेस करेंगी आपको ग्रीन एरिया सोसाइटी के, और डायरेक्ट सीपीआर और सोना रोड तक का जो एरिया है उसको फेस करेगी, और सुबह की धूप आएगी, और ए और डी जो यूनिट है उसके अंदर आपकी दोपहर बाद की जो है यूनिट है के अंदर जो धूप है वो आएगी। इसमें रनिंग बैल्कनियां हैं, कॉर्नर यूनिट ये वाली कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, यानी कोई भी जो यूनिट है आपकी ऐसी नहीं कि ये यूनिट आपकी दबती है, तो हर टावर के अंदर कॉर्नर यूनिट है, यानी डिजाइन काफी अच्छा इन्होंने
डिजाइन के। ये वाली जो दो यूनिट है ये डायरेक्ट एसपीआर रोड को ही फेसिंग करेंगी और आपके जो ये वाली यूनिट है अल्मेडा को फेसिंग करेंगे। उसके बाद जीरो व्हीकल मूवमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर है, ड्रॉप का सिस्टम यहाँ पे है इनका। उसके बाद आपकी जो गाड़ी है डायरेक्ट बेसमेंट के अंदर आपकी गाड़ी जाएगी जीरो व्हीकल मूवमेंट से। ग्रीन एरिया इन्होंने काफी यूज किया है, जैसे ये फ्रंट में ग्रीन एरिया हो गया, इधर ग्रीन हो गया, ये वाला एरिया ग्रीन है, इधर कुछ इन्होंने जो वाटर के फाउंटेन वो दिए हुए हैं, इधर ग्रीन दे दिया इन्होंने। उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये पूरा ग्रीन एरिया है आपका, तो काफी अच्छी तरीके से यूज किया है इन्होंने। ये स्विमिंग पूल एरिया हो गया आपका, ठीक है। तो आप इसके बारे में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज नहीं है एसपीआर रोड के ऊपर, और दोबारा हो सकता है ये चीज आपको देखने को ना मिले और हाई रेट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर प्राइस के रिगार्डिंग या आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, ईवाई अभी जा रहे हैं, फाइनल लॉन्च अभी होना है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट फॉर्म है वो आपको मिलेगा, आप उसको फिल करके हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर देगी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको किस तरीके से एंटर किया जा सकता है। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं इस टाइम बाजार के अंदर दोस्तों आने वाले हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे क्रीसुमी आ रहे हैं, सिग्नेचर आपका पिरामिड आ गया है, उसके बाद सेक्टर 80 में शोभा, कॉन्सियंट, बहुत सारी ऐसी पाइपलाइनें हैं दोस्तों जो अभी बाजार के अंदर अभी आने वाली हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।